अच्छा शाहीन, बताइए कि लाहौर कलंदर की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो वो बड़ी मजबूत लग रही है। जमान है, आप हैं, हारिस है, आपके ख्याल में लाहौर कलंदर की सबसे टफ चीज कौन सी है जो कि बाकी टीमों को मुश्किल में डाल सकती है? आई थिंक देखिए, ओवरऑल क्रिकेट सिर्फ बॉलिंग बैटिंग पे मुयसर नहीं है। आप फील्डिंग जब तक उसके साथ अच्छी नहीं करेंगे और आपको इंडिविजुअली नहीं, आपने एज अ टीम काम करना पड़ेगा। और जो क्या 11 खिलाड़ी हैं उन्होंने इंडिविजुअली भी अपने एफर्ट दिखानी पड़ेगी, और जब कलेक्टिवली और टीम का वो आए तो उसमें भी, तो आप एज अ टीम काम करते हैं तो मेरे ख्याल से हमारी तीनों चीज़ें बहुत अच्छी है। उम्मीद करेंगे कि इसको और बेहतर करें, क्योंकि प्रिपरेशन में हमें ज़्यादा मैचेस नहीं मिले, लेकिन लड़के खेलते हुए आ रहे लीग्स क्रिकेट, तो होपफुल ये रेडी होंगे। नहीं, उससे पहले भी थी। और आपने कहा अभी मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं, तो पाकिस्तान सुपर लीग में एवरेज स्पीड शाहीन का क्या इरादा है मारने का, और ट्राइका जो है वो जमान, शाहीन और हारिस, इसको कैसे रेट करते हैं, और शाह रत ट्राइका को कैसे रेट्स करते हैं? नहीं देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिट, और आप स्पीड की बात करें, आई थिंक मैं हमेशा से 135-140 क्लिक करता हूं, और मैंने कभी 150 नहीं किया, एक दो दफ़ा ही किया है। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि ज़्यादा स्विंग पे मैं रिलाई करता हूं, क्योंकि मैं अर्ली ऑन कोशिश करता हूं कि स्विंग से आउट करूं, और बॉडी अच्छी फील कर रही है। आसान नहीं होता किसी भी प्लेयर के लिए इंजरी के बाद आने में और वो अपना बेस्ट करे। कोशिश की है कि जो कमी है उसको बेहतर करूँ, और अभी जो मैं आया भी था मैंने फुल रेस्ट किया है और अपनी बॉडी को टाइम दिया है। और दूसरा ये कि आपने हमारी बॉलिंग की बात की है जमान में और हारिस, आई थिंक मैं तो हमेशा बहुत सेटिस्फाइड होता हूँ जब जमान और हारिस के साथ बॉलिंग करता हूँ। आई थिंक वो मेन पिलर है इस टीम के, और हारिस जैसा बॉलर आई थिंक T20 में आपको नहीं मिल सकता, ही इज़ द बेस्ट। और जमान इमर्जिंग से गोल्ड में आया है, और उसने पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बॉलिंग की है। आपने नसीम के भाइयों की बात की, आई थिंक ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों भाइयों को एक साथ पाकिस्तान टीम में देखूँ। शाहीन, ये वर्ल्ड कप PSL की तैयारियों पर कितना मामून साबित होगा, और माजी में हमने देखा कि PSL के जो खिलाड़ी परफॉर्मर थे उनको कौमी टीम में जगह मिलती रही है, तो क्या आप लोगों के पास स्पेस इतनी है कि वर्ल्ड कप इस PSL के परफॉर्मर को वर्ल्ड कप में भी आप कंसीडर करेंगे, खासतौर यंगस्टर को? देखिए, PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको आसानी से आप लोग आपको देख सकते हैं। हमें डोमेस्टिक में इतने लोग नहीं देखते जितने PSL से, आपको इंटरनेशनली ग्लोबली भी आप लोग देखते हैं। आई थिंक PSL की परफॉर्मेंस बहुत काउंट करती है एज इंटरनेशनल में आने के लिए, तो उम्मीद है कि इससे हमें कुछ क्रिकेटर्स मिलेंगे, और जो प्लेयर्स के फॉर्म्स नहीं लगे उसमें ये परफॉर्म करके इंटरनेशनल टीम में जगह बनाए। शाहीन, जो फ्रेंचाइज गेम है PSL, इसमें कितना रोल है फ्रेंचाइज ओनर्स का, जो जिस तरह लाहौर कलंदर्स है वो खिलाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है जो हमने देखा, क्या आप समझते हैं कि यही वजह है कि दो बार आप चैंपियन बने और इस तीसरी बार भी हैट्रिक करेंगे? मेरे ख्याल से देखिए, अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ, समीन भाई, आकिब भाई, आतिब भाई, वो काफ़ी फ्रेंडली है, और आई थिंक उन्होंने जो PDP का प्रोग्राम स्टार्ट किया प्लेयर वाला, तो आई थिंक उनसे काफ़ी यंगस्टर आए, और जो अपने लोकल प्लेयर्स ज़्यादा परफॉर्म करते हैं फिर टीमें जीतती हैं। मैंने जहाँ पे भी लीग्स वगैरह में देखे हैं तो लोकल प्लेयर जब परफॉर्म करते हैं तो टीम जीतती है, तो आई थिंक वो उनका रिवॉर्ड है कि वो लोकल प्लेयर्स ने परफॉर्म करके टीम में आके जगह बनाई और वही प्लेयर रिटेन होके फिर से खेल लें, तो हम बड़ी उम्मीद हैं। इस दफ़ा भी इमर्जिंग प्लेयर्स हमारे पास अच्छे हैं, तो होपफुल अच्छी परफॉर्मेंस करें।